डिवाइस डालकर पैसे निकासी करने वाले सातिर अपराधी को चास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से वह डिवाइस भी बरामद कर लिया गया है, जिससे वह एटीएम में डालकर पैसे की निकासी करता था। साथ ही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सूर्यदेव सिंह राणा है और इसके एक अन्य साथी फरार हो गए हैं, जो धनबाद का रहने वाला है। पुलिस इसके लिए छापेमारी कर रही है। इस संबंध में चास SDPO पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि यह अपराधी एटीएम में डिवाइस को डालकर ग्राहक के द्वारा निकासी होने वाले पैसे को रोक दिया जाता था, जिसके कुछ देर बाद वहां जाकर इस डिवाइस को निकाल कर पैसे ले लेता था। इससे एटीएम मशीन भी खराब हो रही थी, साथ ही साथ पैसे निकासी करने वाले ग्राहक और बैंकों को भी नुकसान हो रहा था। पुलिस अब इसे जेल भेज रही है। दिनांक 4/6 को एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। ये मुख्यतः एटीएम में एक डिवाइस डाल करके जो पैसे की निकासी होती थी उसको रोक दिया जाता था, और फिर उस पैसे को ये लोग बाद में जाके खुद निकाल लिया करते थे। इससे एटीएम की मशीन भी खराब हो जा रही थी और साथ ही साथ जो ग्राहकों को और बैंक को दोनों को नुकसान हो रहा था। इसमें ये सूर्यदेव सिंह राणा को गिरफ्तार किया गया और इसका एक अन्य साथी को भी चिन्हित कर लिया गया, उसके लिए भी छापामारी की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? चास से ही। और सर, गिरफ्तार अपराधी हैं कहाँ? और इसके शेष जो अपराध कर्मी हैं वो कुछ धनबाद के रहने वाले हैं, उस पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। मामला ये हुआ था कि जैसे कि दोनों बंदा घुसा एटीएम में जब घुसा तो दोनों को तोड़ने का कुछ आवाज़ मिला तो हमको बस आवाज़ मिलने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद देखे कि ये मशीन में उन लोग बोल रहा है कि पैसा नहीं दे रहा। जब पैसा नहीं दे रहा तो हम मशीन में देखें कि मशीन टूटा हुआ। तब हम इन लोग से पूछो किए कि क्या आप लोग तोड़े हैं? तो इन लोग बोल रहे हम लोग नहीं तोड़े, उन लोग तोड़ा, ठीक है ना सर। तो बस इसीलिए इनका पीछा करते करते मैं HDFC जोधाड़ी मोड़ पीछा करते करते जोधाड़ी मोड़ गए, उनके निगरानी में रहे। उसके बाद इन लोग को जब HDFC में घटना कर रहे थे तो हम सेटल किस SBI किस बैंक के ATM से निकाल रहा था? और तुम किस बैंक से ATM से? मैं PNB का PNB के ATM से निकाल रहा था। उसके बाद HDFC बैंक तक निगरानी किए, वहाँ पर जाके उन लोग का पीछा किए। तो उन लोग जब कर रहा था धोखाधड़ी तब हम उन लोग का हम सेटल गिरा रहे। कब का मामला है? कल का मामला है। कितने बजे का लमसम? सर मामला कितने बजे का? वहाँ पर 11 बजे के लगभग। 11 बजे के लगभग। तो क्या उसके बीच में मारपीट भी हुआ था, ढेला ढबली भी हुआ था? उन लोग को जब सेटल गिराने लगे तब उन लोग हमको धक्का देके हाथापाई किया। उन लोग भागे, उन लोग के पीछे हम 16 गड्ढी के बांध तक पहुँचे। एक टाइगर मोबाइल के जवान आए, उन्होंने पकड़े। तो आप थाना में लिखित आवेदन दे रहे हैं? जी सर। बोलो, क्या नाम हो गया? मेरा नाम समर कुमार माथा। ठीक।